आज सीखने वाला है YouTube बैनर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम फिक्सल लेयर में चलेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से हम न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। इतना करने के बाद फिर लाइन पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज को हम सिलेक्ट करेंगे और कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से YouTube थंबनेल पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से कलर पर जाएंगे और यहाँ से हम ब्लैक कलर चूज कर लेंगे। इतना करने के बाद प्लस पर जाएंगे, फॉर्म गैलरी में आएंगे। आने के बाद यहाँ से हम टेम्पलेट इफेक्ट को हम यूज करेंगे, ये ले लेंगे। ये लेने के बाद यहाँ से हम फिर आएंगे रिलेटिव साइज में। इतना आने के बाद यहाँ से 100% कर देंगे। इतना करने के बाद प्लस पे जाएंगे, फॉर्म गैलरी में आएंगे। आने के बाद यहाँ से हम टेम्पलेट को लेंगे पीएनजी। लेने के बाद यहाँ से रिलेटिव साइज को 100% कर देंगे। करने के बाद यहाँ से हम कलर को रेड कर देंगे। रेड करने के बाद ये लाइन देखेगी, लाइन दोनों तरफ है और दिख जाएगा। इतना करने के बाद प्लस पर जाएंगे, फॉर्म गैलरी में आएंगे। आने के बाद यहाँ से हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे और टेम्पलेट को लग कर देंगे। लग करने के बाद यहाँ से अपना काम करेंगे। यहाँ से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम प्लस पे जाएंगे, फॉर्म गैलरी में आएंगे। आने के बाद यहाँ से हम ये वाला इफेक्ट को हम यूज करेंगे। यहाँ से छोटा कर लेंगे, छोटा करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से रोटेट करके हमको लगा लेना है, छोटा कर लेना है। यहाँ से कुछ इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर प्लस पे जाएंगे, फॉर्म गैलरी में आएंगे। आने के बाद यहाँ से इफेक्ट लेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से कुछ घुमा कर हम छोटा कर लेंगे। छोटा करके यहाँ से हम कुछ इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद ये टेम्पलेट को हम लग कर देंगे। इतना करने के बाद प्लस पे जाएंगे, फॉर्म गैलरी में आएंगे। आने के बाद यहाँ से हम फोटो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ से छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना फोटो के लगा लेंगे। लगाने के बाद हम यहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे, लिख लेंगे मनोज। मनोज लिख के हम ओके करेंगे और यहाँ पर हम रख देंगे। न करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से जाएंगे प्लस पे, फिर से जाएंगे न्यू टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ से हम लिख लेंगे फॉलो US ऑन। लिखने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, छोटा करके यहाँ से हम लगा लेंगे। लगाने के बाद प्लस पे जाएंगे, फॉर्म गैलरी में आएंगे। आने के बाद यहाँ से हम ये वाला PNG को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद कुछ इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ से हम सेव पे जाएंगे। सेव AS इमेज पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम PNG सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कस्टम
सेलेक्ट करेंगे और अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव गैलरी में कर देंगे।